खबर आ रही है गिरिडीह से, जहां पर तालाब में डूबने से दो बच्चियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह में तालाब में डूबने से एक ही परिवार की दो छात्राओं की मौत हो गई, वहीं डूब रही तीसरी बच्ची को ग्रामीणों ने बचा लिया। घटना देवरी थाना क्षेत्र के नावा बांध गाँव की है। बताया जाता है कि दीपावली पूजा के बाद सोमवार की सुबह में गांव में 8 से 10 बच्चियां दरिद्र को बाहर करने की रस्म के बाद गांव स्थित नौका आहार में स्नान करने गई थी। इसी क्रम में तीन छात्राएं तालाब में डूबने लगी। इस दौरान वहां पर मौजूद अन्य बच्चों के द्वारा शोर किए जाने पर गांव के लोग मौके पर जुट गए। डूब चुकी बच्चियों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दो छात्रा रामदेव विश्वकर्मा की बेटी गीता कुमारी और चोवा विश्वकर्मा की बेटी पिंकी कुमारी की मौत हो चुकी थी। वहीं शिबू राणा की बेटी निशा कुमारी की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। निशा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, वहीं आशा की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हम लोगों के यहाँ व्यवस्था के तहत माने लोग सुबह में माने दरिद्र खरीदने के लिए जाता है, हटाने के लिए माने लड़की लोग, तो उसी क्रम में बच्चे लोग गए हुए थे कि क्या बच्ची लोग तालाब स्नान करने के लिए और पानी में डूबने नहा स्नान करने के लिए उसी क्रम में माने तीन बच्ची डूब गई। एक ठो को किसी तरह से बचाया गया, दो को बच्ची का वहीं माने ख़त्म हो गया और माने वहीं बच्ची खत्म हो गया। लोग माने गांव के ग्रामीण लोग वहां पहुंचे, तब बच्ची लोगों को निकाल करके माने लाया गया और माने इस क्रम में जो सरकारी प्रावधान के अनुसार इन लोगों को कि कहा है माने मुआवजा मिलना चाहिए।